गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्टेड फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास विच और बिलोंग टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अभी जो हमारी क्लासिफिकेशन चल रही है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे ही चल रही है। अब तक हमने 5 क्लासेस देख ली हैं, अब ये हमारी 6th क्लास है। इसके बाद एक और बचेगी, फिर आपका ANS की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम उसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कराने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप इजीली कैच कर पाएँ और आपको इजीली उसमें स्टडी में हेल्प हो पाए। इसलिए आपको जो फर्स्टली है वो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग पढ़ेंगे। हमने इससे पहले जो क्लास पढ़ी थी वो अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग थी, अब हम बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ANS की क्लासिफिकेशन है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और ये मत सोचिएगा कि मैम तो हर क्लासिफिकेशन को इम्पॉर्टेंट बोलती है, बेटा वहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम लोग आपको इम्पॉर्टेंट बोलते हैं। वहाँ से कभी ना कभी कोई ना कोई एग्ज़ाम में, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव हो या आपका GPAT का हो, एग्ज़ाम में आता ही है, इसलिए हम आपको इम्पॉर्टेंट बोल देते हैं ताकि आपका वो पोर्शन छूटे ना पढ़ने से, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग हैं इनकी 2 कैटेगरीज हैं, नॉन सिलेक्टिव Beta 1 Beta 2 और कार्डियो सिलेक्टिव Beta 1, ठीक है। कौन सी कैटेगरी है, नॉन सिलेक्टिव Beta 1 Plus Beta 2 और कार्डियो सिलेक्टिव Beta 1। तो सबसे पहले हम कौन सी देखेंगे, कार्डियो सिलेक्टिव। कार्डियो सिलेक्टिव Beta 1 जो है बेटा, इसमें टोटल आपकी जो है 8 ड्रग आएंगी, ठीक है। इसमें 8 ही ड्रग हैं, जितने भी बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग हैं सभी के लास्ट में, ड्रग के लास्ट में जो है OL ग्रुप लगा होगा, ठीक है, ऑल ग्रुप लगा होगा। तो इसलिए एक ट्रिक तो आपकी यहीं पे क्लियर हो गई, बाकी ड्रग के कैटेगरी और बीटा एडिनर्जिक में क्या अंतर है कि बीटा एडिनर्जिक की हर ड्रग के लास्ट में ऑल लगा होता है। क्या लगा होता है, ऑल, ठीक है। अब चलो कार्डियो सिलेक्टिव में बात करते हैं, तो कौन कौन सी ड्रग आती हैं यहाँ पे, देखो मेटोप्रोलॉल, एटोनोलॉल, एसीब्यूटोलॉल, बिस्मोप्रोलॉल, इस्मोप्रोलॉल, बेटेक्सोलॉल, सेलिप्रोलॉल एंड नेविप्रोलॉल। देखा आपने, यहाँ सारी ही ड्रग में या तो प्रोलॉल आया है, नहीं तो लॉल तो आखिरी में आया ही है, LOL LOL। तो सभी पे अंडरलाइन कर लेना, जितने भी ड्रग हैं बीटा एडिनर्जिक कैसे पहचानोगे, इन ड्रग के लास्ट में OL ग्रुप आता है, लॉल ग्रुप आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रग को कैसे याद करेंगे, बहुत सारी है ना, तो ऐसे याद करेंगे कि BE, B और E, क्या बोलते हैं BE, है ना, बैचलर इंजीनियरिंग जो होता है ना, BE, कैन, CAN, कैन, MBA, BE, कैन, MBA। ऐसे समझना कि जो BE वाला बंदा है ना बेटा, वो MBA करता है ना, BE वाला बंदा MBA करता है कि नहीं करता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा है हमने, BE, कैन, MBA, BE वाला बंदा MBA कर सकता है ना। तो कार्डियो सिलेक्टिव में क्या आएगा बेटा, कार्डियो सिलेक्टिव में BE, कैन, MBA आएगा, इस कैटेगरी की ड्रग है BE, कैन, MBA। यहाँ पे देखो बी से क्या आएगा, बिस्मोप्रोलॉल, ई से क्या आएगा, इस्मोप्रोलॉल, ठीक है। अब कैन से क्या आएगा, सी से आएगा सेलिप्रोलॉल, ए से आएगा एसीब्यूटोलॉल, एन से आएगा नेविप्रोलॉल, ठीक है। अब एम से क्या आएगा, मेटोप्रोलॉल, बी से आएगा आपका बेटेक्सोलॉल और ए से आएगा एटेनोलॉल। तो ये हो गया BE, कैन, MBA। ये ड्रग में लॉल तो सभी में है, आपको क्या याद करना है कि BE, कैन, MBA इनमें से अगर कोई सी भी नाम की ड्रग है तो वो हमारी कार्डियो सिलेक्टिव Beta 1 है। इसके अलावा जो भी होगा BE, कैन, MBA के अलावा जो भी होगा वो नॉन सिलेक्टिव Beta 1 Plus Beta 2 होंगे। क्या होंगे, नॉन सिलेक्टिव Beta 1 Plus Beta 2
बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा कार्डियो सिलेक्टिव कंप्लीट हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा वन जो है, इसमें ड्रग जो आती हैं वो कौन सी होती हैं? बी, कैन, MBA, ये ट्रिक है हमारी। बी से क्या होता है? बी और ई का मतलब क्या होता है? बी से बिस्मोप्रोलॉल, ई से इसमोप्रोलॉल। कैन से क्या होता है? सी से सेलिप्रोलॉल, ए से एसीबिटोलॉल और एन से नेबिप्रोलॉल। MBA का क्या होगा? मेटोप्रोलॉल, बेटेक्सोलॉल और एटेनोलॉल। ठीक है, ये कार्डियो सिलेक्टिव आपकी हो गई। अब हम चलते हैं हमारी नॉन सिलेक्टिव। जो नॉन सिलेक्टिव होती है ना बेटा, नॉन आती है। ठीक है, तीन कैटेगरीज आती हैं जिनका नाम क्या है? विथाउट ISA। ISA का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इंट्रेंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। यानी विथाउट इंट्रेंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। फिर सेकंड कैटेगरी क्या है? विथ सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, और थर्ड क्या है? विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटेगरी क्या क्या है? एक में विथाउट इंट्रेंसिक सिंपैथोमिमेटिक वाली ड्रग है, एक में विथ इंट्रेंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी वाली ड्रग है, और लास्ट क्या है? जिसमें सिर्फ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, ऐसी ड्रग है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो विथ इंट्रेंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी में कौन सी ड्रग आती है? नॉन सिलेक्टिव बीटा वन बीटा टू विथ इंट्रेंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी में ड्रग है प्रोपेनोलॉल, सोटोप्रोलॉल, सॉरी सोटोलॉल एंड टिमोलॉल। क्या है ड्रग? प्रोपेनोलॉल, सोटोलॉल, टिम्बोलॉल। ठीक है, अब देखो इसमें कहीं भी बीई, कैन, MBA आ रहा है क्या? हमारी कार्डियो सिलेक्टिव बीटा वन की ट्रिक नहीं आ रही है ना, इसमें कोई भी ड्रग नहीं है ना ऐसी, तो ये क्या है? ये नॉन सिलेक्टिव बीटा वन प्लस बीटा टू है। ठीक है, और उसमें भी विथाउट इंट्रेंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी है। अब देखो यहाँ पे आप कैसे याद कर सकते हो? टिम पे यहाँ पे बोल रहे हैं हम, टिम प्रॉपर सोता है। टिम क्या करता है बेटा? प्रॉपर सोता है ना? जो टिम नाम का लड़का है, एक हम आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम टिम है, तो टिम क्या कर रहा है? टिम प्रॉपर सोता है ना? एक भरपूर नींद लेता है वो, तो टिम प्रॉपर सोता है। और ऐसे याद कर लेना कि ये बीटा की ड्रग है, तो कैसे क्या याद करोगे? टिम बेटा प्रॉपर सोता है, बेटा से क्या आएगा? बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग कैटेगरी है। ठीक है, अब देखो टिम से टिमोलॉल, प्रॉपर से प्रोपेनोलॉल और सोटो से सोटोप्रोलॉल, सोटोलॉल। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार वाली ड्रग कौन सी है? प्रोपेनोलॉल। क्यों? क्योंकि प्रोपेनोलॉल काफ़ी बार एग्जाम में आई है। यहाँ पे ये NS की कैटेगरी के साथ साथ आपका जो है CNS में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना है प्रोपेनोलॉल को। अब ये यहाँ पे एक चीज़ लिखना आप, कि जो प्रोपेनोलॉल है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, किसमें ड्रग ऑफ चॉइस है? परफॉर्मेंस एंजाइटी में। परफॉर्मेंस एंजाइटी यानी जिसको स्टेज फोबिया होता है ना, कुछ लोगों को स्टेज पे जाते से घबराहट होने लगती है, बोल नहीं पाते हैं काफी लोगों को देख के, इसको बोला जाता है स्टेज फोबिया। ठीक है, तो उसमें परफॉर्मेंस एंजाइटी या स्टेज फोबिया, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रोपेनोलॉल। ओके, ये विथाउट इंट्रेंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी वाली ड्रग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है विथ इंट्रेंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। इसमें एक ही ड्रग आती है बेटा, जो है पिंडो। क्या है? पिंडो यानी पिंडोलॉल। ये हो गई हमारी विथ इंट्रेंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी भी कंप्लीट। लास्ट इज विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी यानी अल्फा रिसेप्टर को क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो ऐसी दो ही ड्रग है, अल्फा कारले, क्या बोलेंगे हम? अल्फा कार ले या अल्फा कार लेकर ब्लॉक कर। क्या करा? अल्फा कार लेकर ब्लॉक कर। तो अल्फा से अल्फा, ठीक है, अब क्या है? ब्लॉक कर रही है ना, तो अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी किसकी है? कार से कार्बेडिलॉल एंड ले ले क्या होता है? लेबेटेलॉल। अल्फा
लेकर ब्लॉक कर। तो लेबेटिलॉल एंड कार्बेडिलॉल ये अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है इन ड्रग की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नॉन सेलेक्टिव अल्फा वन ए सॉरी नॉन सेलेक्टिव बीटा वन बीटा टू में क्या है ड्रग, तीन कैटेगरीज आती हैं विदाउट इंट्रेंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी, जिसमें तीन ड्रग आती हैं प्रोपेनोलॉल सोटोलॉल टिमोलॉल। टिम प्रॉपर्स होता है या टिम बीटा प्रॉपर्स होता है। इसमें प्रोपेनोलॉल स्टार वाली ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी या स्टेज फोबिया में। फिर आता है विथ इंट्रेंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी, जिसमें एक ही ड्रग होती है पेंडोलॉल। फिर होता है विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, तो इसमें दो ड्रग होती है कार्बेडिलोल एंड लेबेटिलोल। इसकी ट्रिक होती है अल्फा कार लेकर ब्लॉक कर, अल्फा कार लेकर ब्लॉक कर, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे बीटा एनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द जर्नल क्या लिखा हुआ है, जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन, यानी कि जो ये वाली ऊपर क्लासिफिकेशन दी है ना, इन सारी ड्रग को उसने एक जनरेशन के अकॉर्डिंग बांट दिया है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। ड्रग यही रहेंगी, बस जनरेशन के अकॉर्डिंग इन लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन और ओल्डर बोला जाता है, फर्स्ट जनरेशन और इन्हीं ड्रग को क्या बोला जाता है, ओल्डर नॉन सेलेक्टिव। क्या बोलेंगे, ओल्डर नॉन सेलेक्टिव फर्स्ट जनरेशन ड्रग कौन कौन सी हैं प्रॉपर। अब यहाँ पे देखो क्या है ट्रिक, प्रॉप टिम बेटा प्रॉपर्स होता है ना, किसके साथ, फर्स्ट जनरेशन में वो पिंटू के साथ होता है। टिम बेटा प्रॉपर फर्स्ट जनरेशन में पिंटू के साथ होता है। तो टिमोलॉल प्रोपेनोलॉल सोटोलॉल और पिंडोलॉल ये सब क्या आ जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे, यानी विथाउट इंट्रेंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी और विथ सिम्पेथो विथ इंट्रेंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी वाली ड्रग को हमने फर्स्ट जनरेशन में रख दिया। सेकेंड जनरेशन देखो, सेकेंड जनरेशन में को ही हम बीटा वन और कार्डियो सिलेक्टिव बोलते हैं, यानी हमने जो यहाँ पे कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग पढ़ी थी ना ऊपर, यहाँ पे देखिए आप बी कैन एम बी ए वो वाली ड्रग यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन कौन कौन सी आएंगी, बीटा वन और कार्डियो सिलेक्टिव में ड्रग आएंगी बीई मा। अब सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में तो क्या हुआ, टिम बेटा प्रॉपर सो रहा है, किसके साथ सो रहा गया था फर्स्ट जनरेशन में, पिंडू के साथ। सेकेंड जनरेशन में बीई किसने करी थी, माँ ने करी थी। सेकेंड जनरेशन में बीई माँ ने करी थी, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में बीई माँ ने करी थी। तो बीई से बिस्मोप्रोलॉल इस्मोप्रोलॉल है ना, बाइसोप्रोलॉल और इस्मोप्रोलॉल। अब माँ से क्या आएगा, मेटोप्रोलॉल एसीब्यूटोलॉल और एटेनोलॉल, ये ड्रग हो गई हमारी सेकेंड जनरेशन की। और बीटा वन कार्डियो सिलेक्टिव भी बोलते हैं इनको। फिर आता है लास्ट थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में हमारी विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी एंड वैसो डायलेटर प्रॉपर्टी वाली ड्रग रखी है। ये कार्डियो सिलेक्टिव थी ना, ये वैसल्स को डायलेट कर रही है थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में ड्रग आएंगी अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी एंड वैसल वैसो डायलेटिंग प्रॉपर्टी वाली ड्रग। तो अल्फा ब्लॉकिंग में तो दो ही ड्रग थी, देखो ऊपर दिख रहा होगा, विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी लेवेटिलॉल और कार्बेडिलॉल। अब कौन सी ड्रग बची बी कैन मा में से, बी और बी एन मा तो आ गया हमारा सेकेंड जनरेशन में। इसके अलावा जितनी भी बचेंगी वो थर्ड जनरेशन में आ जाएंगी, जैसे कि सेलिप्रोलॉल नेबिप्रोलॉल एंड पैटेक्सोलॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो ड्रग तो हो गई लेबेटिलॉल कार्बेडिलॉल, और बाकी की हो गई सेलिप्रोलॉल नेबिप्रोलॉल और पैटेक्सोलॉल। ये हमारा थर्ड जनरेशन की ड्रग भी कंप्लीट हो गई है। ओके, यहाँ पे बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग में दो कैटेगरीज आती हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा वन बीटा टू, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा वन। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा वन में बी कैन मा पढ़ा था हमने, एंड नॉन सेलेक्टिव बीटा वन बीटा टू में विथ इंट्रेंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी में बेटा प्रोटीन बेटा प्रॉपर्स होता है, और विथ इंट्रेंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी में ड्रग थी पिंडोलॉल, और विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी में ड्रग थी अल्फा अल्फा कार लेकर ब्लॉक कर, अल्फा कार लेकर ब्लॉक कर। फिर हमने जनरेशन वाइज इस क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया था। तो फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग थी वो टिम बेटा प्रॉपर्स हो रहा है पिंडो के साथ फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड में बीई माँ ने करी है, सेकेंड को बीटा वन और कार्डियो सिलेक्टिव बोलते हैं, और थर्ड जनरेशन जो थी जिसमें अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी एंड वैसो डायलेटिंग प्रॉपर्टी थी, उसमें था लेबेटिलॉल कार्बेडिलॉल सेलिप्रोलॉल नेबिप्रोलॉल और बैटेक्सोलॉल।
यहाँ पे ड्रग आपकी कंप्लीट हो गई है। ट्रोपेनोलॉल मैंने बताया है आपको, जो है वो है स्टार वाली ड्रग है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है परफॉर्मेंस एंड एंगजाइटी और स्टेज फोबिया में। यहाँ पे आपका बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद बस एक ही क्लास बचा हुआ है, इसके बाद आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आगे की क्लासेस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।